हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज के इस लेक्चर में एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई मीजोमेरिक इफेक्ट, और साथ ही साथ करने वाले हैं उसके एप्लीकेशंस, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। भाई दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और इसका यूज भाई हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली हम पढ़ते हैं रिएक्शंस को, और रिएक्शंस को समझने के लिए हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट ना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको यह समझ में नहीं आया, कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में फंस जाओगे, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, क्या बता दें, हम जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री में, है ना, और उसका ये लेक्चर नंबर आई थिंक 15 है। इससे पहले मतलब 14 लेक्चर्स हो चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली भाई, आप जाकर देख लीजिए, सारे के सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। आप इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, लिंक पे क्लिक कर सकते हो, आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए वहां पर एंजॉय करिए सारे के सारे लेक्चर्स को। अभी इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था भाई, इससे पिछले लेक्चर में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन किया था, उससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया था, हाँ एक रेजोनेंस भी किया था, अभी हम करने वाले क्या मीजोमेरिक इफेक्ट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है भाई मीजोमेरिक इफेक्ट, क्या होता है भाई मीजोमेरिक इफेक्ट, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर हमने भाई लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, रेजोनेंस। अगर आपने रेजोनेंस को पढ़ रखा है तो मीजोमेरिक इफेक्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। सर क्यों कहना चाह रहे हो ऐसा कि बहुत आसान हो जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट अगर हमें रेजोनेंस आता है तो? और मैं तो भाई चाहता भी यही हूं कि अगर आप पहले रेजोनेंस को कवर करके आए हो तो बहुत बेस्ट है, और अगर नहीं कवर करके आए भाई जाके पिछले वाला लेक्चर लेक्चर नंबर 14 देख लीजिए, आपको रेजोनेंस भी क्लियर हो गया, उसके बाद मीजोमेरिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। सर पहली बात लिखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, पहले हम एक काम कर रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है इट इज ए एडवांस एडवांस देन रेजोनेंस। ये क्या लिख दिया सर आपने, ये क्या लिख दिया भाई आपने लिखा है, मतलब हमने लिखा है, क्या लिखा है सर, जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ये हमारा एक एडवांस प्रोसेस होती है किसकी, रेजोनेंस की। सर इसका मतलब तो ये हमको रेजोनेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं आएगा तो फिर मीजोमेरिक में तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना सर, बिल्कुल हो जाएगी भी। क्योंकि यहां पर इसने पहले ही बोल दिया भाई, क्या बोल दिया कि रेजोनेंस का एडवांस फॉर्म होती है मीजोमेरिक इफेक्ट। सर रेजोनेंस वैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था सर रेजोनेंस में कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से वो मॉलिक्यूल एक से ज्यादा टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, उसको हमने कहा था रेजोनेंस होता है। सर यहां पर भी कुछ ना कुछ वैसा सा ही होता है, वैसा सा ही होता है हमारा, कहां मीजोमेरिक इफेक्ट में। सर अंतर क्या होता है, फिर अंतर क्या होता है अगर मैं बात करूं ये कहां पाया जाता है, किन मॉलिक्यूल्स में मीजोमेरिक इफेक्ट मिलेगा, किन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस मिलेगा, ये तो हम जान चुके थे। क्या जाना था सर रेजोनेंस के लिए, हमने कहा था सर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना है, ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन में आपका कोई रेडिकल हो सकता है, आपका कोई निगेटिव चार्ज हो सकता है, आपका कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर पाई बॉन्ड भी आपके कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वहां पर आपका रेजोनेंस मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें सर मीजोमेरिक इफेक्ट किधर मिलेगा, हम कहेंगे इट इज ऑब्जर्व ये कहां मिलेगा सर, इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बॉन्डेड टू द अनसेचुरेटेड कार्बन। आप कहेंगे सर ये जो डेफिनेशन है ना आपने लिख ली बहुत अच्छी बात है, आपने बोल दी बहुत अच्छी बात है, हमने भी लिख ली, ठीक है हम भी लिख लेंगे या फिर, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक समझ में नहीं आएगी ना तब तक तो सर कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हो भाई, इस डेफिनेशन का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई मेरे पास है दो चीजें। सर मेरे पास दो चीजें कौन सी है, मैं बात करना चाह रहा हूं रेजोनेंस की, भाई मैं बात करना चाह रहा हूं रेजोनेंस की, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे को बात करनी है किसकी, मीजोमेरिक इफेक्ट की। यही तो मेरा मेन फंडा है भाई, मेरा टारगेट ही यही है, मेरे को मीजोमेरिक इफेक्ट समझना है। लेकिन भाई मीजोमेरिक तक पहुंचना है तो आपको रेजोनेंस से होकर गुजरना पड़ेगा,
रेजोनेंस से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आप मेसोमेरिक को इजीली समझ पाएंगे। सर मैं ये कहता हूं, मैं एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा सर यहां पर मैंने लिया CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ठीक है सर, इससे मेरे को दूसरा ले लो भाई CH डबल बॉन्ड CH2। भाई यहां पर मैंने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन हो गया। कॉन्जुगेशन का मतलब है जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसके अगले कार्बन पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, प्लस होना चाहिए या फिर नेगेटिव हो, कुछ भी हो चलेगा उधर, है ना, माने होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब अगले वाले बॉन्ड पर भी होना चाहिए, बीच में कोई भी बॉन्ड आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। मान लिया मेसोमेरिक इफेक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, सर ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, बिल्कुल है। इससे मैंने मान लीजिए कोई ग्रुप लगा दिया लाइक दिस, एमीन ग्रुप लगा दिया, फिलहाल मैंने एमीन ग्रुप लगा दिया। अब जरा डेफिनेशन बोलना भाई, डेफिनेशन समझना भाई, मैंने क्या लिखा भाई, मेसोमेरिक इफेक्ट कहां मिलेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू द अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें सर डबल बॉन्ड आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, उनको हम अनसैचुरेटेड कार्बन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अगर उससे डायरेक्टली अटैच्ड है कौन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो सकता है सर, एल्कोहल हो सकता है, अमीन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, क्या होता है कीटोन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, NO2 हो सकता है, कोई हैलोजन हो सकता है, कोई भी ग्रुप अगर आपका डायरेक्टली किससे अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होता है सर, वहां पर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, वहां पर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा सर, ठीक है। चलो ये भी हम पहचान लेंगे, सीधा सीधा कार्बन चेंज आ रही है, उसमें कोई भी हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया है, मतलब वहां पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का दूसरा भैया मेसोमेरिक इफेक्ट, वहां पर वो कहता भाई कॉन्जुगेशन वो चलेगा, लेकिन साथ के साथ मुझे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप भी चाहिए, ठीक है सर। काम कैसे करता है, जरा काम बताना, इसका काम कैसे करेगा भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये हम कल पढ़ चुके हैं भाई ना, कल वाली क्लास में पढ़ चुके थे, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला बॉन्ड भी इधर टूट गया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या बना ले बॉन्ड, मतलब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, हो जाता है सर, बिल्कुल हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या लिखते हैं भाई, इसको हम क्या लिखते हैं सर, हम ऐसा कुछ लिखते हैं, यहां सी एच टू है, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख दिया फिलहाल मैंने, समझ लीजिए भाई ये वाला बॉन्ड टूटा इधर, मतलब सर इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, ये बॉन्ड गया शिफ्ट हुआ इधर तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है सर, यहां से बॉन्ड टूटा तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें तो कोई हमें डाउट है नहीं, देयर इज नो डाउट, ठीक है। अगले वाले में आइए सर, अगले वाले के केस में अगर हम देखेंगे मेरे को क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड तो नहीं, लेकिन सर मेरे को एक चीज दिख रही है कि नाइट्रोजन पर मेरे लोन पेयर प्रेजेंट है। सर एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हम कहेंगे सर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक बॉन्ड में, क्या सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब बॉन्ड बना सकते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। अगर सर ये आकर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, मजबूरन इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा सर काय को, क्योंकि कार्बन की तो बैलेंस ही चार होती है ना, पांचवा बॉन्ड बनेगा तो चौथा तो कोरे को तो टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा भाई, ये वाला बॉन्ड इधर टूट के आ जाएगा सर। ऐसा तोड़ने से हमको क्या फायदा हुआ, या फिर कोई स्ट्रक्चर दूसरी बन जाएगी क्या, हम कहेंगे बिल्कुल बन जाएगी सर। कौन सी बन जाएगी, यहां पर हमारे पास CH2 था, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, मैंने तो ऐसे जाना था, ठीक है भाई, हुआ क्या, इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, बॉन्ड आके यहां बन जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव। सर ये तो कुछ ना कुछ रेजोनेंस की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन इसमें कार्बन के अलावा कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। आई होप दोनों चीज आपको क्लियर होंगी कि रेजोनेंस में और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है, कंसेप्ट बिल्कुल हम समझ चुके हैं। चलिए सर, मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया है, अब हमारा दूसरा कर्तव्य बनता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया है तो हमको यह जानना है सर मेसोमेरिक इफेक्ट के भी कोई टाइप होते हैं क्या, हम कहेंगे बिल्कुल होते हैं सर। यहां पर हम बात करेंगे, अपनी अगली हेडिंग को बना सकते हैं टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या बना सकते हैं भाई, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। आप कहेंगे सर इसके क्या टाइप होंगे भाई, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था क्या, बिल्कुल पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारे दो टाइप के थे, प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट,
जिनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा है वो प्लस इफेक्ट, जिनमें इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है वो माइनस इफेक्ट। सर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होती है यहां पर, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होती है यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट के साथ भी, मीजोमेरिक इफेक्ट के साथ भी। भाई मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप का होता है सर, कौन कौन सा होता है सर? एक होता है हमारे पास प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या सर? प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? दूसरा फिर उसके भाई बंधु क्या हो जाएगा? माइनस एम इफेक्ट, मतलब माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट है सर दो टाइप का हो गया, प्लस एम और दूसरा माइनस एम। क्या अंतर रहेगा सर प्लस एम का, क्या अंतर रहेगा सर माइनस एम का? प्लस एम कौन से ग्रुप होंगे सर? ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, हम उन वो ग्रुप आपका क्या करे जाएंगे, मतलब हम ये बोल सकते हैं सर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐसे ग्रुप को जोड़ा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो वो आपका प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। सर यहां पर आइए, ऐसा ग्रुप जिनमें किसको जोड़ा जाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए भाई, क्या? कॉन्जुगेशन के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, और उसी में अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस एम, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस एम। आई होप क्लियर होगी बात। सर बात तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन को कैसे पता चलेगा सर कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को लेगा? तो भाई उसके लिए मैं आपको टेबल लेके आया हूं। ये टेबल हमारे दो टाइप का काम करेगी। पहला आपको बताएगी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। दूसरा कौन ज्यादा मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, कौन कम मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। मैंने ये जो टेबल ले रखी है भाई, इसमें अगर आप ऊपर से नीचे तक जाओगे तो इसकी जो पावर है वो आपकी कम होती चली जाएगी, वो आपकी क्या होती चलेगी? कम। मतलब मैं वो ये बोल सकता हूं कि प्लस एम ऊपर से नीचे की तरफ घटेगा और माइनस एम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। मतलब यहां पर लिख देता मैं, अगर मैं बात करता हूं प्लस एम ग्रुप की, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, अगर आप ऐसे कर देते हैं, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो प्लस एम इफेक्ट क्या होगा? कम होता जाएगा, जबकि माइनस एम इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। ऊपर से नीचे जाने पर प्लस एम की जो टेंडेंसी है वो कम होती चली जाएगी और माइनस एम की बढ़ती चली जाएगी। सर अगर आपको, मुझे लगता है दिखाई तो दे रहा होगा, अगर आपको दिखाई तो दे रहा होगा, आप जो है अगर क्वालिटी कम हो तो भाई क्वालिटी बढ़ा लेना अपनी वीडियो की, 1080 में पूरा कर लेना आपको, ताकि सबके सब आपको दिखाई दे जाए ना। देखिए सर यहां पर मैं आपको बता देता हूं, पहला है मेरा ऊपर NH2। क्या भाई? NH2 है सर, NH2 है। NH2 में क्या होता है भाई? लोन पेयर होता है सर। लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा ही करेगा। भाई अपन ने अभी तो देखा था NH2 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा था, वरना आगे के साथ टूट रहे थे, कंजुगेशन चल रहा था। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है NH2 तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डोनेटिंग ग्रुप हो गया। मतलब प्लस एम दिखाएगा ही दिखाएगा, प्लस एम दिखाएगा ही दिखाएगा। मतलब ये इसके प्लस एम की पावर सबसे ज्यादा अगर किसी की है तो वो है NH2 की। सर NH2 के बाद कौन आ रहा है? NH2 के बाद आ रहा है NHR। सर NHR का मतलब क्या है? अगर मैं यहां से एक एच को हटा दूं, उसकी जगह कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दूं, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। सर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरा भी एच हटा दो, दूसरा एल्किल ग्रुप लगा दो, ये आ जाएगा NR2। ओके सर नाइट्रोजन की कहानी खत्म। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है ऑक्सीजन की। फिर इसके बाद भाई NH2 NHR, फिर आ गया हमारा NR2, उसके बाद आता OH। OH भाई OH भी प्लस M ग्रुप को या प्लस M इफेक्ट को दिखाएगा, क्योंकि इसके पास भी तो लोन पेयर है। भाई इसके पास लोन पेयर है मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये भी प्लस M दिखाएगा। भाई OH के बाद आएगा आपका OR, मतलब H हटाकर पहले की तरह मैंने क्या लगा दिया है? R लगा दिया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। हो गई सर? बिल्कुल हो गई। भाई मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं एक बार देख लीजिए जरा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है NH2, ठीक है सर।
अभी क्या है, एक एच हटाया उसकी जगह एल्किल ग्रुप लगा दिया, फिर दोनों एच हटाकर दोनों की जगह एल्किल ग्रुप लगा दिया, फिर उसके बाद आया OH का नंबर, फिर एच हटाकर फिर से एल्किल ग्रुप लगा दिया। क्लियर है भाई? आपको ज्यादा याद ही नहीं रखना है, या आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, या नॉर्मली इजीली याद हो जाता है। उसके बाद एमाइड ग्रुप आ गया, मान लो NH है, इससे लगाया है COR, ये आ गया, फिर ऑक्सीजन से लगा दो COR, ये आ गया भाई, सिंपल से ग्रुप है। इसके बाद आपका कोई भी एल्किल ग्रुप आ सकता है, कोई भी एरिल ग्रुप आ सकता है, है? उसके बाद एक एल्कीन दे रखा है, फिर आया था हमारा हाइड्रोजन, फिर आया था हमारा हाइड्रोजन। आई होप इतने ये सारे जो भी मैंने लिखे हैं ये सब आपका प्लस एम इफेक्ट को शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट को शो करता है। आई होप बात क्लियर होगी। इसके बाद हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपके एक्चुअली ये दिखाते तो प्लस एम है, लेकिन इनका प्लस एम बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से खींचने की पावर बहुत ज्यादा होती है। अब इधर आ जाइए, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला माइनस एम सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा? अगर मैं माइनस एम की बात करूं, मैं ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, माइनस एम सबसे नीचे आएगा एनओ टू भाई, एनओ टू खींचने वाला महारथी है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ लेगा, यह है एनओ टू भाई, है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा एनआर थ्री पॉजिटिव, एनआर थ्री पॉजिटिव, साथ ही साथ हो सकता है एनएच आर टू पॉजिटिव हो, या फिर एन एच टू आर पॉजिटिव है, या फिर एन एच टू पॉजिटिव है, सॉरी एनएच थ्री पॉजिटिव है। ये आपके इन सबके क्या दिखाएंगे भाई? ये सब आपका माइनस एम ही दिखाएंगे। इसके अलावा अगर नीचे चलोगे और भी, एसओ थ्री एच है, ये हो जाएगा, या सी एन ले लो नाइट्राइल, या फिर ले लो सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एसिड एलाइड, है ना। फिर चाहो तो आप COOH ले सकते हो, फिर उसके बाद COOR एस्टर ले सकते हो, या फिर आप COOR मतलब कीटोन ले सकते हो, या एल्डिहाइड ले सकते हो। ये सब आपका, ये सब जितने भी हैं, ये सब दिखाएंगे आपका माइनस है, ये सब आपका दिखाएंगे माइनस है। तो ये आपके प्लस एम वाले हो गए, ये आपके माइनस एम वाले हो गए, आपके माइनस एम वाले हो। आपको करना क्या है, अगर आप ध्यान देना चाहो तो ऐसे कर लीजिए, यहां से नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस एम घटेगा, इधर से नीचे की तरफ जाओगे तो माइनस एम कटेगा। क्लियर सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस टेबल को बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कुछ नई चीज, मतलब हमारा भाई क्या क्या क्लियर हो गया, मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ये पता चल गया, ठीक है, मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में क्या फर्क होता है ये भी जान लिया, मेजोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप्स का होता है ये भी जान लिया, उसमें यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उनकी पावर कैसी होती है ये भी जान लिया। सर अब तो अपना एक ही बहुत ही सुंदर सा कार्य बचा है और वो हमारा ये है एप्लीकेशंस ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस को हमें पढ़ना है, मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान तो है नहीं, हाँ नुकसान भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए हम बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। अमीन्स का नाम सुना है? सर बिल्कुल सुना है। अमीन्स क्या होता है भाई? मैंने मान लिया ये है RNH2 भाई, ये है मेरा अमीन, ये है मेरा अमीन। और अमीन क्या होता है भाई? अमीन की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये किस नेचर के होते हैं भाई? बेसिक मतलब ये नेचर में बेस होते हैं भाई। बेस किस बेस पे बोलेंगे? सर इसमें OH माइनस तो नहीं, बार बार OH को काहे को बीच में लाते भाई? कुछ बच्चे कहते हैं भाई सर जो H प्लस देते हैं वो एसिड, जो OH माइनस देते हैं वो बेस। भाई जिनके पास OH होगा वही तो देगा, जिसके पास नहीं तो मतलब वो बेस नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता भाई, काहे नहीं हो सकता है भाई। देखो एसिड बेस के बहुत सारे हमारे पास थ्योरी होती है, वही हम पढ़ते हैं। जैसे आरिनेश ने बोला H प्लस देगा तो एसिड, OH माइनस देगा तो बेस। उसके बाद ब्रोशन लोरी है, उन्होंने कहा मानते हैं एच प्लस देगा वो एसिड, लेकिन जो एच प्लस लेगा वो बेस भी होता है। उन्होंने OH की बात ही खत्म कर दी। एक आया हमारे लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस थ्योरी, लुईस ने कहा कभी, उन्होंने कहा भाई ना मैं एच प्लस को ले रहा हूं ना मैं OH माइनस को ले रहा हूं, मैं लेता हूं लोन पेयर को। क्या लेंगे सर लोन पेयर को? जो लोन पेयर को डोनेट करेगा वो बेस होगा, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा या फिर हम बोल सकते गेन करेगा भाई, उसको हम बोलेंगे क्या? एसिड। उसको हम बोलेंगे क्या? एसिड। लो भाई कौन सी थ्योरी थी भाई? लुईस थ्योरी, लुईस कॉन्सेप्ट।
कोई प्रॉब्लम, हम कहीं से बिल्कुल नहीं, हमें कदापि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां पर देखें भाई, क्या अमीन के पास लोन पेयर है? बिल्कुल है। क्या ये इनको डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर ये बॉन्ड थोड़ी बना रहा है, ये तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो किसी का भला हो जाएगा भाई, बॉन्ड बना लेगा, ये दे देगा किसी को, मतलब ये अपने लोन पेयर को, ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। सर डोनेट कर रहा है, इट मीन्स दिस इज इन बेसिक नेचर, मतलब ये हमारा एक बेसिक नेचर का होगा भाई, बिल्कुल सही बात है। अब प्रॉब्लम ये है सर, कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा? हम कहेंगे भैया नाइट्रोजन पे देने के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, नाइट्रोजन पे देने के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा अच्छा सा बेसिक होगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन दे सके। सर अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो बेसिक नेचर उसकी हो जाएगी कम, उसकी हो जाएगी कम। सर हमको जानना है, चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि बेसिक नेचर, जैसे मान लीजिए तीन क्वेश्चन हमने ले लिए भाई, तीन क्वेश्चन अपन को दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप देखिए भी, यहां पर आप देखिए भी, इधर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इधर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इधर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। मेरे को जानना है तीनों टाइप की एमीन में ज्यादा बेसिक एमीन कौन सी है, कम बेसिक एमीन कौन सी है। आपको बेसिक बेसिक नेचर का आपको ऑर्डर यानी क्रम बताना है। सर बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत आसानी से। कैसे बताएंगे सर? एक चीज देखिए भाई, एक चीज देखिए, क्या देखना है सर? अगर मैं ए वाले को देखूं तो इसके पास में लोन पेयर है, है सर, इसके पास भी लोन पेयर है सर, इसके पास भी लोन पेयर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, देयर इज नो डाउट कि लोन पेयर है या नहीं, सबके पास लोन पेयर है। अब प्रॉब्लम ये है, इसके पास है डबल बॉन्ड, क्या ये लोन पेयर उस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है? हम कहेंगे नहीं है। क्या ये लोन पेयर कहीं जाएंगे? हम कहेंगे नहीं जाएंगे। क्या इस पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है? हम कहेंगे नहीं सर, कुछ नहीं लग रहा, जितने लोन पेयर है उतने के उतने रहने, इस पर कोई भी आपत्ति नहीं आनी, ना ये लोन पेयर कहीं जा रहे हैं ना ही आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर दूसरे वाले को जरा देखो गौर से, दूसरे वाले को जरा देखो गौर से। सर ये जो लोन पेयर है ना बेचारे, इसको दिख रहा है मेरे अगले वाले कारण पर अनसेचुरेशन है, तो कहेगा भाई मैं तो मेजोमेरिक इफेक्ट बनाऊंगा, और मेजोमेरिक इफेक्ट बनाएगा तो क्या होगा भाई, ये लोन पेयर इधर आके बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा। अब बताओ मुझे क्या इसके लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर रहेंगे? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं रहेंगे, लोन पेयर तो घूमने चले गए, लोन पेयर कहां चलेंगे? घूमने। क्या ये अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को त्यागेगा? हम कहेंगे कहां से त्यागेगा, जब उसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो भाई जो उसके पास थे वो उसकी चेन में घूमने चले गए, डीलोकलाइजेशन में चले गए, इसके पास तो लोन पेयर बचे नहीं, उसके पास पूरे, उसके पास कहीं नहीं जा रहे भाई, क्योंकि कॉन्जुगेशन में ही नहीं। इसकी बात करेंगे जरा, कहेंगे सर हमारे पास हमारे लोन पेयर है, हम भी कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहे, लेकिन एक चीज है, क्या चीज है सर? इधर मेरे बराबर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इधर भी मेरे बराबर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, चाहे आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगा लीजिए, चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट लगा लीजिए, जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी मतलब बेसिक नेचर बढ़ी, और बेसिक नेचर बढ़ेगी तो हम कहेंगे सर सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अपन कहेगा सी, अपन कहेगा सर सी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। काय को? क्योंकि सी के पास ही तो सबसे ज्यादा लोन पेयर है, बिल्कुल सर। उसके बाद कौन आएगा? ए। क्यों? क्योंकि सर जितने थे उसने ईमानदारी से उसके पास उतने ही है। सबसे लास्ट में आ जाएगा बी। क्यों सर? बेचारे के पास थे तो सही सर लोन पेयर, लेकिन वो चले गए मेजोमेरिक इफेक्ट में, रेजोनेंस करने चले गए, दूर तक घूमने चले गए, और घूमने के चक्कर में रह गए पीछे, तो ये बेसिक नेचर हो गया हमारा, ये हो गया हमारे पास बेसिक नेचर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई हो, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी। एक और क्वेश्चन आ गया, जरा इसको भी देखते हैं, कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। भाई कहना तो वही चाह रहा है, सर हमें बेसिक नेचर चाहिए, ठीक है। इधर देखो नाइट्रोजन भाई लोन पे रहे है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, बढ़ाई दो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाई दी, आ गया जो भाई। ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, कहेंगे हम ना बढ़ाएं कहीं से। क्यों? क्योंकि भाई इधर, और एक और चीज है भाई, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये अलग है अपने। यहां पर देखो आप भाई, ये जो लोन पेयर है जाकर कहां जा सकते हैं? ये कॉन्जुगेशन में। सर ये तो घूमने जा रहे हैं,
घूमने जा रहे तो इनकी होगी मिट्टी खराब, फिर तो गए काम से। भाई जैसे गए घूमने वैसे गए ये काम से, मतलब सबसे अच्छा कौन है, किसके पास लोन पेयर है? हम कहेंगे सर ए के पास है, ए सबसे ज्यादा होगा। काहे? क्योंकि उसके पास लोन पेयर जितने थे वो तो हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, मतलब ए सबसे आगे। बी कहेगा सर मैं ईमानदार हूं, मैं किसी से ले रहा हूं और ना ही मैं दे रहा हूं। सी कहेगा गलती से हमने कॉन्जुगेशन से लगा दी, लालच के चक्कर में चले गए, गवा बैठे अपने लोन पेयर को, चले गए, हमारा तो बेसिक नेचर ही खराब हो गई, और बेसिक नेचर खराब। क्या समझ में आया? हम कहेंगे बिल्कुल समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं है, क्या है अगला? चलिए वो आ गया अपने पास, क्या आ भाई? एप्लीकेशन अगला आ गया। पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा था बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस के बारे में, दूसरा एप्लीकेशन आपका एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप। ओके, OH ग्रुप की एसिडिक नेचर को जानना, ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं सर जिनमें OH ग्रुप पाया जाता है? मैंने नॉर्मली दो चीजें सुनी है भाई, क्या सुना है सर? मैंने सुना है एल्कोहल, एल्कोहल की अगर हम बात करें ROS से दिखा देते हैं, बिल्कुल दिखा देते हैं सर। दूसरा मैंने फिनॉल भी सुना है सर, फिनॉल में क्या होता है, ROS नहीं, रिंग होती है, और रिंग से हमारा कौन जुड़ा होता है? रिंग से हमारा OH जुड़ा होता है। यहां देखिए जरा सर, यहां देखिए क्या देखना, क्या दिखाना, क्या चाह रहे हो? अगर ये H प्लस को देगा तो मतलब एसिड होगा, साथ में क्या बचेगा सर? RO नेगेटिव बचेगा, ठीक है। यहां पर भी अगर H प्लस को देता है, और ये H प्लस को देता सर यहां पर रिंग, और रिंग से जुड़ा होगा हमारा O नेगेटिव, देयर इज एल्कोक्साइडाइन, दिस इज फिनोक्साइडाइन, H प्लस को त्याग रहा है सर। इसका मतलब तो ये होगा जहां पर OH है वो भी एसिडिक होगा। अब देखना ये बाकी है सर, मेजोमेरिक इफेक्ट से, आपकी एसिडिक नेचर बढ़ेगी या फिर घटेगी, सर इसके लिए हमें एक चीज जाननी है, अगर हम इन दोनों की बात करें, भाई किसी इन दोनों की नहीं, किसी की भी बात कर लो, जो भी आपका नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना, ये जो नेगेटिव आयन बन रहा है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। भाई ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर ये मान लो भाई, या फिर इस तरह से समझो, हम इस तरह से समझेंगे सर, क्या समझेंगे? हमारे पास में क्या है, यहां पर O नेगेटिव H पॉजिटिव, यही तो है, यहां पर O नेगेटिव H पॉजिटिव यही है। अब सर जितना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव जितना ज्यादा होगा H प्लस को उतना ज्यादा बांधे रखेगा, यही तो मतलब है, और ये नेगेटिव जितना कम, H प्लस उतनी जल्दी निकल जाएगा, और जितनी जल्दी निकल जाएगा एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा हो जानी है सर। ये चीज कहीं ना कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, अरे सुनी होगी ना, कहां सुनी थी सर? इंडक्ट इफेक्ट में पढ़ा था, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो जल्दी से H प्लस दे देता है वो ज्यादा अच्छा एसिड होता है, जो देर से देता है वो कम अच्छा एसिड होगा। सर जल्दी से H प्लस कौन लेगा जिसके साथ जुड़ा हुआ माइनस कम होगा, H प्लस जल्दी निकल जाएगा, माइनस बढ़ेगा H प्लस को खींचेगा तो काय को जल्दी देगा, एसिडिक नेचर कम हो जाएगी ना फिर उसकी। चलिए सर ये तो अपन को पता है, ये तो सिंपल सी बात थी, हमको तो जानना है इसके बारे में, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है सर। क्वेश्चन हमारे पास ये तीन टाइप के आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, और हमसे ये पूछा जाता है, सर इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, सर एसिडिक नेचर पूछ रहे हैं, सर। ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, एसिडिक नेचर बता देंगे, घबराने वाली बात नहीं है, एसिडिक नेचर को बता देंगे। कैसे बताएंगे सर? अपन को पता है भाई OH की बात करो सर, O नेगेटिव H प्लस, ठीक है, O नेगेटिव H प्लस, ठीक है सर। क्या क्या समझ में आ रहा है? हम कहेंगे बहुत सिंपल सी कहानी मेरी समझ में ये आ रही है कि भाई जो इसका नेगेटिव होगा, क्या ये नेगेटिव रहेगा? हम कहेंगे सर कदापि नहीं, काहे को, क्योंकि जिस एटम पर नेगेटिव है सर उसका अगला एटम आपका अनसैचुरेटेड है, मतलब ये यहां पर आके बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, वापस से वो ऊपर जाएगा। मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है सर, इस पे से जो नेगेटिव है वो तो घूमने जा रहा है, H प्लस कहेगा भाई तू नेगेटिव निकल गया, तेने तो मेरे को पकड़ रखा था, अब नेगेटिव चला गया तो मैं तो फ्री हो गया, तो मैं तो निकल लेता हूं। मतलब यहां से H प्लस बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, तो मतलब एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, अच्छा एसिड हो जाएगा ना
सर यहां की बात करना, यहां पर क्या कहना चाहोगे? फिर यहां पर हम कहना ये चाहेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा मतलब नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा हाइड्रोजन कर गया, फंस गए। क्यों फंस गए? नेगेटिव बढ़ गया, अब मेरे को छोड़ेगा ही नहीं, और मेरे को छोड़ेगा मैं निकल के नहीं भागूंगा, और मैं निकल के नहीं भागूंगा तो ऐसा नहीं तो बेकार होगी ना मेरी। इधर कहेंगे, इधर कहेंगे आजा बेटा कहां जा रहा है, निगेटिव है इधर आके बॉन्ड बना, मेरे को इधर टूटना है। ये भी रेजोनेंस में चला गया सर, ये भी रेजोनेंस में चला गया तो ये वाला एच प्लस में निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कहां रेजोनेंस ज्यादा हो रही है या कहां मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, हम कहेंगे सर ए में, ए में मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इसका तो निगेटिव बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा जल्दी से एच प्लस दे देगा, दैट्स में सबसे ज्यादा एस्टिक हो जाएगा ए, उसके पश्चात सी, और इन द लास्ट पी। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक था, अभी तो हमारे पास और भी कुछ एप्लीकेशंस है। चलिए बात कर लेते हैं अपने पास क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की क्या कहेंगे, प्लस एम ग्रुप बढ़ाएगा या घटाएगा? भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को पढ़ते पढ़ते सदियां बीत गई हमारे लिए, हैं क्या बीत गई सर, कैसे बीत गई सदियां? भाई प्लस एम है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा सर? क्योंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास आएंगे, पॉजिटिव कम हो जाए, कम हो जाए स्टेबल हो गया। सर अगर माइनस एम की बात करें तो माइनस एम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है सर, कम करेगा, क्योंकि माइनस एम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बेचार के पास पॉजिटिव और बढ़ जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चन ले रखे नहीं, क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ अपने पास ये रहा क्वेश्चन, अपने पास ये रहा क्वेश्चन, यहां से समझते हैं। कोई और क्वेश्चन ले लेंगे, पहले छोटा सा एक क्वेश्चन ले ले, चलिए यहां से समझते हैं। अपने पास ये है CH2, इधर लिख देते हैं NH2 और यहां पर CH2, इस पर है पॉजिटिव, ओके इधर है CH2 पॉजिटिव है, यहां पर है सिंगल बॉन्ड NO2। सर एक चीज देखो भाई, ये जो बंदा है ना, ये वाला जो बंदा, कौन सा वाला, ये वाला, इसकी जो लोन पर डायरेक्ट पॉजिटिव की पी ऑर्बिटल में डालेगा, पॉजिटिव खत्म समाप्त स्टेबल तुरंत। लेकिन NO2 कहेगा ना जी ना, मैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा अनस्टेबल, तो स्टेबिलिटी यहां पर हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां, क्योंकि अपन को पता है NH2 लगाता है प्लस एम इफेक्ट और NO2 लगाता है माइनस एम इफेक्ट। क्लियर? ओके अब आ जाइए क्वेश्चन में, अब आ जाइए क्वेश्चन में। भाई यहां पर मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है, इधर पॉजिटिव में इधर से प्लस आए, इधर से भी प्लस आए, ठीक है, इधर से प्लस आए भाई, इसमें भी इधर से प्लस आए, इसमें भी प्लस आए, प्लस आए तो सब में लग, प्लस आई लग रहा है, इधर से प्लस आई लग रहा है, इधर से भी प्लस आई लग रहा है, इधर से भी प्लस आई लग रहा है, सर इधर साइड से, सर यहां से भी प्लस आई लग रहा है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। भाई अगर आपने नहीं पढ़ा ना, देख लेना, बहुत सिंपल सी कहानी है और जरूरी होना है, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री करनी है तो मुझे लगता है GOC का पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये पूरी प्लेलिस्ट ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है। आ गए भाई यहां पर देखिए सर, यहां पर ऑक्सीजन के लोन प्यार आ रहा है और डायरेक्ट पॉजिटिव को देंगे, सर ये तो प्लस एम लग रहा है, ये तो प्लस एम निकला बिल्कुल, यहां पर आए सर ये ही कौन सा कम है, इसके पास भी तो लोन प्यार है, मतलब ये भी देगा, मतलब ये भी देगा, मतलब ये भी देगा, तो सर ये भी प्लस एम है क्या? हाँ जी प्लस एम है। सर यहां डबल बॉन्ड ओ आ गया, मतलब ये तो सर कीटोन आ गया, और कीटोन हमने कहां देखा था? सर हमने माइनस एम के अंदर देखा था, हमने माइनस एम के अंदर देखा था। अब बात आती है सर, प्लस आई भी है, प्लस एम भी है, प्लस आई भी कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है, प्लस एम भी करता है, प्लस आई भी करता है, मुझे ये बताओ मुझे देखना किसको है पहले, मेरे को देखना किसको है पहले। भाई मैं यहां पर आपको एक बहुत बड़ा सा अच्छी सी चीज बता दूं, मैं बड़ी अच्छी सी चीज बता दूं क्या, अगर आपको स्टेबिलिटी का क्रम देखना है, सबसे पहले आपको देखना है प्लस एम, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद प्लस रेजोनेंस, ओके, फिर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, फिर
प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, फिर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, माइनस रेजोनेंस, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। सर ये हमारा जो क्रम है ये है स्टेबिलिटी का, ये किसका क्रम है भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इस ऑर्डर में देखा जाता है, इस ऑर्डर में देखा जाता है। सर आप कहेंगे सर ये प्लस और माइनस का मतलब क्या, कोई अंतर नहीं, सब कुछ सेम है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बस इतना ही अंतर है ना, बाकी सारी चीजें सेम रहनी है। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इतना, अरे अभी तो क्वेश्चन किया ही नहीं आई थिंक है, अभी क्वेश्चन भी तो करना है, अभी क्वेश्चन देखिए। तो मतलब मेसोमेरिक में इंडक्टिव में कौन ज्यादा तगड़ा है, सर मेसोमेरिक, मेसोमेरिक तगड़ा है। लेकिन सर एक और चीज, इधर भी प्लस है में, इधर भी प्लस है, इन दोनों में से किसमें नंबर लेना है अपन को, इन दोनों में से किसको देखना है भाई, इन दोनों में से अपन को देखना है बहुत ही सिंपल चीज, किसको भाई, इधर भी प्लस है में, इधर भी प्लस है में, इधर ऑक्सीजन है इधर नाइट्रोजन है, कौन आएगा ऊपर भाई, हमने देखा तो ऊपर आता नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का प्लस है ज्यादा है, तो मतलब सर सी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद आ जाएगा हमारा बी। इसके बाद इन दोनों की बात करें, प्लस आई और माइनस एम में, प्लस आई और माइनस एम में प्लस आई सबसे आगे है, इसका मतलब हम कहेंगे सर प्लस आई वाला ज्यादा स्टेबल कहेगा। अरे किधर चले जाते हैं भाई, बार बार है, इधर आ जा, आ गया, इधर किसको करना है ए को, उसके बाद लास्ट में कौन आ जाएगा अपना डी आ जाएगा। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। आई होप बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर अगला करते हैं, हमारी अगली कौन सी एप्लीकेशन है, दिस इज द यूज इन बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके बहुत सिंपल सी चीज है भाई, सर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वहां पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट कहीं ना कहीं वर्क करता है, कहीं ना कहीं काम करता है। सर कैसे करता है मुझे बता दीजिए, कैसे करता है मुझे जानना है, और बहुत ही आवश्यक है मेरा जानना। चलिए एक काम करते हैं, मैंने लिया एक इस टाइप की रिंग, ठीक है सर, मैंने एक रिंग ले ली है, यहां पर सी एच है, डबल बॉन्ड सी एच टू है। सर ऐसे मॉलिक्यूल ना, ऐसे मॉलिक्यूल मैंने दो ले लिए हैं, ऐसे मॉलिक्यूल मैंने ले लिए हैं दो। अब इन दोनों में एक अंतर है सर, क्या अंतर है जरा बताइए। अंतर ये है सर, इस वाले मॉलिक्यूल में मैंने लगा रखा है NH2, ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल में लगा रखा है मैंने NO2, ठीक है। सर दोनों में अंतर क्या, दोनों में अंतर ये, इसमें प्लस एम लग रहा है और इसमें माइनस एम लग रहा है, यही तो अंतर है, बिल्कुल है। अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करें, अगर हम इसके बॉन्ड को ब्रेक करें, इसके बॉन्ड को ब्रेक करें, एक चीज देखो भाई, क्या देखना सर, चलो यहीं से कॉपी करता हूं, यहीं से बार बार काय को बनाना, बार बार काय को बनाना, थोड़ी सी अपने पास टेक्निकल कुछ चीजें हैं तो उनका यूज करना भी चाहिए ना। चलो इधर भी आ जा भाई, तू भी आ जा, इधर भी कर ले। चलिए अब यहां से थोड़ा सा हटा दें, काम हो जाएगा अपना। यहां पर क्या था भाई, यहां क्या था, अपने पास था NO2, ठीक, यहाँ NH2 था। होगा कि भाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक बॉन्ड इसका ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड इसका भी ब्रेक कर दो। अब हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बात ये थी सर बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, बॉन्ड तो ऐसा ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की साइड जाएंगे या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पीछे की साइड जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है भाई, ये है प्लस एम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देगा, सर इलेक्ट्रॉन जाएंगे रेजोनेंस करते जाएंगे, बॉन्ड तोड़ देंगे आगे की साइड, प्लस एम है ना, प्लस एम है ना, प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो बॉन्ड कहां टूट जाएगा, आगे की साइड। भाई सर बॉन्ड आगे की साइड टूट रहा है, तो जिस साइड टूटता है उधर नेगेटिव, और जिधर से टूटता है उधर पॉजिटिव, सिंपल। सर इधर क्या लग रहा है, माइनस एम, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, ये बॉन्ड आ जाएगा इधर, मतलब ये सारा बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहां आ जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल सा खेल है, बहुत ही सिंपल सा खेल है, आई होप समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी आसान केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा रे। चलिए यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्या यूज होता है, किसका है, बिल्कुल होता है सर, कैसे होता है जरा आप किसी एग्जांपल से समझ लीजिए, बिल्कुल समझ लेते हैं हम, बिल्कुल समझ लेते हैं भाई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको एक काम करना है, अगर मान लीजिए आपको प्लस एम ग्रुप दे रखे हैं तो आपको जिसका प्लस एम ज्यादा है उसको प्रेफरेंस देना है, अगर आपको प्लस एम भी दिया है और माइनस एम भी दिया है तो जिसका प्लस एम है उसको आपको प्रेफरेंस देना है,
कहेंगे सर मतलब तो समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन के हेल्प से, है ना। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं। दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज माई क्वेश्चन। यहां पर है NH, इससे लगा है ऑक्सीजन, ये इससे जुड़ा, इस पर भी लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर। आई होप चीज क्लियर होगी, ठीक है। एक और ले लो सर, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ताकि हमारी चीजें कंफ्यूजन में ना रहे, हम हर चीज को बड़े ही प्यार से अच्छे से सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। अभी इन दोनों की मुझे कराना है, मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी फिलहाल के लिए नहीं बता रहा, जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको याद रहना चाहिए कि जहां प्लस एम लगता है वो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, माइनस एम हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है। अभी ऑर्थो पैरा क्या है, कैसे है, फिलहाल के लिए समझ लो। यहां पर अगर मैं मान लीजिए रिएक्शन कराता हूं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से, मान लो जो सीएल पॉजिटिव है मेरा, क्या है, सीएल पॉजिटिव है। अब मैं सीएल पॉजिटिव को कहां पर अटैच कराऊंगा भाई, कहां पर मेरा सीएल पॉजिटिव जाके लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि इससे कौन कौन से ग्रुप मेरे लगे हुए हैं, इससे कौन कौन से ग्रुप मेरे लगे हुए हैं। भाई मेरा ये है, अब देखो कहां लगना है, सीएल इधर प्लस एम है सर, इधर ये भी प्लस एम है सर, क्योंकि ऑक्सीजन भी प्लस एम में आ रहा है, नाइट्रोजन भी प्लस एम में आ रहा है, तो बताओ कौन सा अच्छा और सा प्लस एम है। हम कहेंगे सर नाइट्रोजन के चर्चे ज्यादा हैं, मतलब नाइट्रोजन आपका प्लस एम ज्यादा दिखाता है, तो किसके अनुसार सीएल लगेगा, मतलब नाइट्रोजन के अनुसार। नाइट्रोजन कहेगा मेरे पैरा पे लगाओ, नाइट्रोजन के पैरा पे जाकर मैंने सीएल लगा दिया, फिनिश्ड। क्योंकि प्लस एम है तो ज्यादा प्लस एम किसका है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। सर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, एनएच बोला भाई हम है प्लस एम, सीओ कहेगा भाई हम है माइनस एम, लेकिन प्लस एम माइनस एम में आए आमने सामने, प्लस एम कहेगा मेरे सामने नहीं चलेगी, क्योंकि रूल है प्लस एम की ज्यादा चलेगी, और प्लस एम की ज्यादा चलेगी तो प्लस एम वाले के अनुसार इधर ही हम लगा देंगे अपना सीएल, इधर ही हम लगा देंगे सीएल। तो जितनी एप्लीकेशन थी भाई मेजोमेर के इफेक्ट की वो हमने कंप्लीट कर ली है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट हो गया है। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो कर लिया है, और मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस भी कर लिए हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जिसका नाम है क्या है भाई, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कौन से एरोमेटिक नहीं होते, ये अपन को जानना है, और उसके बाद यूनिट हो जाएगी फिनिश, फिर हम करेंगे अगली यूनिट को स्टार्ट तुरंत इसके बाद। बस आपको एक काम करना भाई, लेक्चर को जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए, ट्यूशन आपके ट्यूशन मेट हो जो भी है, आपके ट्यूशन के फ्रेंड्स हैं, कोचिंग के फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जानने मतलब जो भी पढ़ना चाहते हैं। और ये जो टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि ये ग्रेजुएशन वाले यानी बीएससी वाले पढ़े भाई, इसको आप इलेवंथ क्लास के बच्चों को आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप किसी जो बंदा नीट के लिए या आईटीजे के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो भी इन टॉपिक्स को यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है, क्योंकि इससे ऊपर वहां पर भी नहीं आता। मैं जो करा रहा हूं आप इसको कॉम्पिटिशन में यूज करो, सेमिस्टर में यूज करो, या किसी भी लेवल पर यूज करो, हर जगह वेल ही आंसर मिलेगा उसका। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, बातों बातों में थोड़ा सा लेंथी हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, एक दो लेक्चर हो जाता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।